हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक मस्त टॉपिक वाला वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपके घर में आप खुद सीसीटीवी का कलेक्शन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं फिलहाल दो सीसीटीवी कैमराज ले रहा हूँ, उसके साथ में एक DVR ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, उसके साथ में एक मॉनिटर ले लेंगे जो कि अपने को सीसीटीवी में जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो देखने के लिए। उसके साथों साथ दोस्तों अपने को कुछ बोर्ड्स लेना है, जो चेंजर्स अपना मेन पावर बोर्ड्स चाहिए रहता है सप्लाई के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में हम लोग को एक अडाप्टर चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक SMPS लेता हूँ। ये जो SMPS है अपने को 12 वाट का कनेक्ट करके देता है। 12 वाट DC का पावर सप्लाई चाहिए रहता है अपने को CCTV कैमरा को। तो इसके लिए हम लोग, आप चाहिए तो अडाप्टर लीजिए, मैं फिलहाल यहाँ पे SMPS ही आपको समझाना चाहता हूँ। उसके बाद में हम लोग एक राउटर ले लेंगे दोस्तों, जो कि अपने को इंटरनेट जैसा मदद करेगा और अपने को मोबाइल में भी राउटर के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल पे ज़रूर क्लिक करना दोस्तों, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको ज़रूर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्किप ना करें, ध्यान से बने रहिए वीडियो में। वायरिंग कैसा होता है CCTV का मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, CCTV कैमरा के लिए ऐसा वाला एक केबल का बंडल मिलता है, जो कि उसके सामने जो दो कनेक्टर रहता है वो सभी को नहीं मिलता है, एक केबल के साथ एक ही मिलेगा शायद। अगर आप कट करते हैं इसको तो ऐसा वाला दो कनेक्टर लेना मांगता है अपने को ज्वाइन करने के लिए। इसका नाम, इसको बोलते हैं BNC कनेक्टर। आप BNC कनेक्टर लाएंगे, कितना भी CCTV कैमरा को उस केबल के माध्यम से जॉइंट करेंगे। दोस्तों, इस केबल में एक खासियत है, जो कि एक जो वायर रहता है उस बहुत डिफरेंट रहता है, इसमें वही वायर जो है रिकॉर्डिंग का और दो वायर नॉर्मल अपने घर के वायर जैसा ही रहता है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग एक केबल कलेक्शन कर लेंगे। देखिए, वहाँ पर ऊपर की तरफ ओपन कर दिया हूँ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, दोनों तरफ ओपन हो गया है। एक जो काला वाला वायर है और इस तरफ ये CCTV कैमरा को भी हम लोग केबल का माध्यम से सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे एक सप्लाई ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या करना है दोस्तों, अपने को एक छोटा सा वीडियो प्ले किया हूँ दोस्तों, अच्छा लगा, गणपति बप्पा के दिन आज अपलोड करने वाला हूँ, तो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में जय गणपति बप्पा बोल के वो लिखना ज़रूर मत भूलना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ये दोनों को जो अपने को 12 वाट का DC सप्लाई CCTV कैमरा को दे देते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने को क्या करना है, अब ये जो अपने को दिख रहा है SMPS, इसको यहाँ पे देखिए, पीछे तरफ चार टर्मिनल रहता है। आप चाहे तो 5-6 CCTV कैमरा लगाना चाहते हो तो आप बड़ा, इससे बड़ा साइज़ का टर्मिनल ले SMPS ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं दो ही इसको यूज़ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका कलेक्शन कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे कलेक्शन कर देते हैं। इस वाले वायर, ये जो अपना केबल लेके आए हैं, वो केबल में जो वायर है उसमें से एक पेस और न्यूट्रल लाएंगे हम लोग, यहाँ पे कलेक्शन कर देंगे ताकि यहाँ पे 12 वाट DC अपने को मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी इस वाले केबल से भी, इस वाले CC कैमरा वाले केबल से भी यहाँ पे हम लोग कलेक्शन कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने को क्या है, CCTV कैमराज को सप्लाई चला गया, 12 वाट DC का सप्लाई चला गया। अभी एक अडाप्टर लेते हैं दोस्तों, ये भी 12 वाट DC अपने को कनेक्ट करके देगा। ये अडाप्टर दोस्तों हम लोग अपना DVR को कलेक्शन करना है, जो यहाँ पे देख रहे हैं एक मार्क, उसके नीचे लिखा होगा 12 वाट DC चाहिए उसको, तो उसको भी 12 वाट DC का एक अडाप्टर लेंगे और फिर से उसको एक केबल लेके वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अभी DVR में सप्लाई चला गया दोस्तों। तो अभी DVR में सप्लाई चलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो काला वाला केबल बचा है अपना केबल में, काला वाला जो केबल बचा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रहता है सेपरेट के लिए। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, आप जितना चाहिए उतना लगा सकते हैं। वहाँ जो ऑप्शन है कैमरा 1, कैमरा 2, वीडियो 1, वीडियो 2, अलग अलग तरह के DVR रहता है। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन एक का दे दिया हूँ, दूसरा वाला ये भी अभी फ़िलहाल दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी दोनों कैमरा का कनेक्शन ऊपर भी, ऊपर की तरफ भी दे देंगे, नीचे की तरफ भी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी दोनों को कैमरा को वीडियो का कनेक्शन भी चला गया और पावर DC वाला पावर भी चला गया दोस्तों। अभी यहाँ पे बचा है दोस्तों दो और जो टर्मिनल है, इसमें दोस्तों आप चाहिए तो माइक भी लगा सकते हो, स्पीकर का भी ऑप्शन है, आप जो रिक्वायरमेंट है वो भी लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, और दो तीन CCTV है वो भी लगा सकते हैं। अभी क्या करना है दोस्तों, ये जो SMPS है
इसको हम लोग एसी पावर सप्लाई देना पड़ता है। ये इसको एसी पावर सप्लाई देंगे तो अपने को 12 वाट का डीसी जो रिक्वायरमेंट है वो अपने को आगे सप्लाई करके देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको एसी सप्लाई देने के लिए एक 3 पिन टॉप सॉकेट लेंगे, उसके बाद में नीचे की तरफ इसको अच्छे से कलेक्शन कर लेना है। केबल ओपन रहेगा, अगर केबल जेंट के साथ SMPS आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी इसको केबल के साथ कलेक्शन कर लेंगे। अभी SMPS को भी सप्लाई चला गया, ये तो अभी फिनिश हो गया दोस्तों। अभी क्या करने का है, अभी जो ये बैक साइड का एक ये दिख रहा है, एक मिनट मैं अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ ये देखिए, ये जो है दोस्तों ये अपने को जो अपना DVR है उससे मॉनिटर को सप्लाई देता है। VTG केबल इसको बोलते हैं, VTG केबल DVR से मॉनिटर को कनेक्शन दे, जो भी DVR में रिकॉर्ड होता है, अपना हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड होता है, वो सब मॉनिटर में डिस्प्ले होने के लिए अपने को इस तरह का केबल लगाना ज़रूरी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपके पास अगर केबल बड़ा है, इस तरह का कनेक्शन नहीं हुआ, तो आप लोग कनेक्टर लेके केबल अल्टरेशन कर सकते हो। यहाँ पे देख, आप ही देख रहे होंगे DVR के पीछे तरफ ये जो टर्मिनल दिख रहा है, इस टर्मिनल को VTG कलेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, ये कोई बड़ी बात नहीं। CCTV का कैमरा को कनेक्शन करने के लिए ध्यान से देखिए, आपके घर में आप खुद ही कर ले सकते हो, और CCTV लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मैं अभी DVR से मॉनिटर को इस केबल का कनेक्शन कर लिया। ठीक है दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा हूँ दोस्तों। अभी क्या करना है, यहाँ पे जो और USB का पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आप चाहिए तो जैसा कि माउस हो, कीपैड हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं अपने को जो वीडियो है उसको देखने के लिए, या फुल दो तीन कैमरा का ऑप्शन देखने के लिए, सिंगल कैमरा का ऑप्शन देखने के लिए, हम लोग माउस का यूज़ करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे USB के साथ एक माउस ले लेंगे, ऐसा माउस ले लेंगे और माउस को ना USB का पॉइंट में कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी माउस के माध्यम से आपका ये DVR ना आपका मॉनिटर में प्ले हो जाएगा, मतलब चालू होगा। अभी अपने को दोस्तों ये जो राउटर है इसको भी अपने को 12 वाट DC का सप्लाई चाहिए रहता है, जो कि यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पावर वाला सप्लाई, इसमें एक अडाप्टर लेके उसको कनेक्शन करना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। राउटर जो कि अपने को इंटरनेट का बहुत मदद करता है, इससे हम लोग अपने को मोबाइल में भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको भी इस तरीका का कनेक्शन कर देना है दोस्तों। अभी ये जो केबल है इसका नाम है ईथरनेट केबल बोलता है, ईथरनेट केबल, ईथरनेट केबल से इंटरनेट सप्लाई होने का, इससे इंटरनेट का सप्लाई होता है दोस्तों। यहाँ पे जो पॉइंट दिखता है आपको, ये देखिए, एक मिनट में जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट दिखता है, यहाँ पे अगर वो केबल लगाएंगे तो उस केबल से DVR के पीछे की तरफ सेम पॉइंट रहता है कि अपने को इंटरनेट का कलेक्शन मिले। ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग कलेक्शन कर देते हैं ऐसा। अभी उम्मीद करता हूँ अपना काम कलेक्शन का पूरा हो गया। आपको सभी बटन ऑन कर देना है, DVR पे पावर ऑन कर देना है, और अपना CCTV कैमरा ऑटो रिकॉर्डिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और अपना हार्ड डिस्क में सेव होते रहेगा। देखिए, मैं फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए मेरा ऑफिस में जो CCTV कैमरा है, मैं उसको यहाँ पे अटैच करके आपको एक छोटा सा वीडियो प्ले कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ना भूले। ठीक है दोस्तों, आज ये वीडियो अपलोड करने का यही रीज़न है कि आज जय गणपति बप्पा है। आप मेरे वीडियो देखने के बाद जय गजानन बोल के लिखना